Hi, I'm Ajaz with Zoom on the Gup Shup segment. अरे यार इतनी गंदा क्वेश्चन पूछा है भाई तूने, इतना गंदा क्वेश्चन पूछा भाई, पकड़ा गया था अभी 5 दिन हो गए बोलता गया झूठ, दूसरे दिन तक झूठ बोलता गया। पवित्र को मालूम एक झूठ बोल रहे, नहीं मेरे को झूठ, उसने किसी को फोन करके पूछा भी था वो पकड़ा गया झूठ। फिर मेरे भाई सच बोला, देखा ऐसा 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 ऐसा, चलिए आखिरी मौका दे रही हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सेलिब्रिटी नहीं होते तो क्या, फिल्म एक्टर नहीं होते तो क्या होता? तो भाई मेरे डैडी के वर्कशॉप में काम करता होता या फार्मर होता यार, किसान होता। हाँ मुझे बहुत पसंद है यार, मैं मेरे बालकनी में टमाटर उगाता हूँ, हाँ भाई मिर्चियाँ उगाता हूँ, खड़ी पत्ता सब उगाता हूँ। लाइफ का सबसे बैड डेट? बैड डेट मतलब खराब दिन। तो क्यों याद रखूँगा मैं भाई, था मुझे थोड़ी देर पहले। अरे भाई बहुत एम्बैरेसिंग था। आप अपनी होने वाली मदर-इन-लॉ के बारे में क्या सोचते हैं? अरे ऐसे क्या पूछ रहे हो तुम भाई, मैं ये सोचता हूँ कि वो हमेशा सही है, वो गलत हो ही नहीं सकती, उन्होंने जो बोला वही सही है, बस फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं है, मतलब वही सही है। एक दिन में कितनी सेल्फी लेते हैं? मैं नहीं लेता हूँ यार सेल्फी, कभी कभी लेता हूँ पवित्रा को दिखाने के लिए, मैंने ये पहना है ठीक है, ऐसा दिख रहा हूँ ठीक है, बस ऐसे, बाकी तो अपनी शक्ल देखे मैं ऐसे ये कौन है, क्योंकि पहली बात तो कोविड के बाद शक्ल बदल गई है यार, और दाढ़ी जब से रखी है तो थोड़ी स्किन का ख्याल रखना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी स्किन बची है तो अजीब दिखने लगा हूँ यार मैं, मतलब दिख रहा हूँ मैं अपने आप को दिमाग में जैसे इमेजिन करता हूँ वैसे नहीं दिखता, मिरर में देखे एकदम ऐसे होता है भाई ये कौन है। तो होपफुली जून में दाढ़ी निकाल दूंगा यार, भाई बहुत हो गया, 1 साल हो गया यार अपनी शक्ल देखने तरस गया मैं। कुछ 1-2 करोड़ लेती है। यार मैं बोलना तो चाहूँगा कि मैं अपने आप का इंस्पिरेशन हूँ, लेकिन आई थिंक माय डैड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और पवित्रा भी। पवित्रा यार सुबह उठ के काम पे जाती है और आके मेरे लिए खाना भी बना देती है यार, बहुत डिसिप्लिन है वैसे। आप अपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसे बदलना चाहते हैं? यार पिछले 6 महीने से ना, 6-8 महीने से बहुत इंजरीज हुई हैं, बहुत एक किस्म से सिकनेस बहुत हुई है, मैं अपनी हेल्थ को वापस पाना चाहता हूँ यार, बस हाँ बस बहुत इंजरीज हुई हैं, थक गया मैं, वो बदलना चाहता हूँ, अभी अपने आप का ख्याल रख रहा हूँ, पॉजिटिव अप्रोच तो तब भी था अब भी है, लेकिन फालतू के रिस्क नहीं ले रहा हेल्थ के साथ, ठीक है। पिछली बार लास्ट टाइम आपने किसे रुलाया था? ऑब्वियस ही बात है, और कोई है नहीं इतना, अरे बहुत मनाया है, मैं भी रोया भाई, नहीं यार गलती है तो मान लेता हूँ, अब देखो यार 2-2.5 साल हो गए हैं, एक ही साथ रहे हैं, पता है पूरी ज़िंदगी साथ में रहना ही है, तो ईगो और प्रिटेंशंस नहीं है, तो सीधा सीधा बोल देते हैं, नहीं सॉल्व नहीं होता, लेकिन रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, यही नहीं कि आप एक दूसरे को ग्रांटेड के ले लो, डोंट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, मेहनत करते हैं और खुशी मिल जाती है यार, और लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है, और सिंपल चीज़ है यार, तुम अपनी फैमिली के लिए करो,
बाकी ब्लाइंडर्स लगा के रखो, काम पे ध्यान दो, और क्या करना है, खाना वाना सब मस्त है, और क्या है। आपने कभी क्राउड के अंदर ऐसा कुछ काम किया या कुछ किया है कि आपको बहुत ऑकवर्ड लगा, कभी ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, भीड़ में या कहीं कुछ ऐसा? काफ़ी चीज़ें हुई है यार, पैंट वैंट फट चुकी है। हाँ, कैफे कॉफ़ी डे में चल के गया हूँ, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। हाय 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 हाय, हो चुके। हाँ भाई, शूटिंग से ही कहीं गया था, स्टेज पर बच्चों के साथ ऐसे बैठ बैठ के फोटो लिए मैंने। अच्छा। बेचारे बच्चे। टैलेंट मैं बहुत अच्छी तरह क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, हर एक चीज़ में नुक्स निकाल सकता हूँ, हर एक चीज़ में। वो अपने आप से शुरुआत करता हूँ मैं, मतलब मैं अपने आप को परफेक्शनिस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ क्रिटिसाइज बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, वगो भी उतर। अब तो मेरा अटेंशन बहुत महंगा हो गया है, लेकिन आप अच्छे इंसान रहो यार, बस वो अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ आ जाता है। अपने आपके मेरी ज़िंदगी में जो आपकी अहमियत है उसके हिसाब से मैं अटेंशन दे दूंगा आपको। लास्टली बताइए, सब जगह शादियां हो रही हैं, हर बार यही पूछते हैं आपसे, इस बार भी पूछेंगे क्योंकि फैन भी यही पूछते रहते हैं, डिसाइड हो गया अभी तक कुछ? ऑलमोस्ट हो गया यार, ऑलमोस्ट हो गया, बहुत कुछ लाइन पे आ गया है, बहुत कुछ घर वर का देखना था, कैसे सेटअप होगा, क्या होगा, वो बाकी बहुत कुछ हो गया, अभी फॉर्मेलिटी ही है, वो फैमिली के देखते हैं कब मौका मिलता है सबको, मेरी बहन है, उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी। कैसा लगा ये सेगमेंट? मज़ा आया यार, क्या याद दिला दिया तुमने यार। चलो, थैंक यू वेरी मच।